अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। भाई जान, जो हमारा आज के व्लॉग है सर जी, हार्वेस्टर मशीन के मतलब। ये जो आप देख रहे हैं सामने सर जी, हार्वेस्टर चल रही है और इसका काम होता है सर जी, ये गंदम को काटने के लिए इस्तेमाल होती है। और क्योंकि गंदम के सीज़न के मैंने आपको काफ़ी व्लॉग्स दिखाए हैं, तो ये व्लॉग भी दिखाना लाजमी था। अब आप एक छोटा सा व्यू देखें, ये मशीन है, इसका क्या सिस्टम है, ये किस तरह से वर्किंग होती है, क्या शेप है इसकी, ये इसके बाद हम आप दिखाते हैं आपको इसकी वर्किंग की, ये बेसिकली किस तरह से वर्क करती है। तो बिना इंतजार के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। भाई जान, इसकी कटिंग का तरीका, पीछे से ये थोड़ी निकाल दी जाती है और जो दाना होता है, दाना सारे का सारा इसके अंदर स्टोर हो जाता है। तकरीबन 120 मन के करीब दाना इसमें स्टोर होता है। और सर जी, ये जो एक कट पर टाइम लगाती है मैक्सिमम 15 मिनट। और जो डीज़ल का खर्चा आता है इस पर, क्योंकि ये डीज़ल पर चलती है, तो डीज़ल का खर्चा आता है इस पर एक एकड़ पर आ जाता है तकरीबन 2.25 या 2.5 लीटर आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कम इन्वेस्टमेंट में ये अच्छा खासा प्रोसेस इसका चल जाता है। ये होता है सर जी इसका तरीका, बाकी जो आगे डिटेल है वो हम आपको दिखाते हैं। ये मशीन सर जी सिर्फ दाना स्टोर करती है, और तूड़ी के लिए एक और मशीन आती है, वो व्लॉग भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। और ये जो व्लॉग था, ये व्लॉग काफ़ी अहम था, इम्पोर्टेंट था गंदम के हवाले से, तो ये दिखाना लाजमी था आपको। बस सर जी, इसका जो दाना स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो फुल हो चुकी है, तो अब ये जा रहा है
और ये दाना डालेंगे ट्राली में, और उसके बाद ये जो दूसरा है कट है फिर उसको काटेंगे। अब देखते हैं कि ये ट्राली में दाना किस तरह से डाल रहे हैं। बस सर जी ये होता है इसका प्रोसेस, किस तरह से ये वर्किंग करती है, किस तरह से ये गंदम काटती है, किस तरह दाना स्टोर होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखा दिए, बाकी सारा इसका प्रोसेस ये रिपीट होता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा सर।